जैसे संगठनों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि इनको सही वक्त पर दमन इनका नहीं किया जाता है। अगर इनको सही वक्त पर दबा दिया जाए, इनको बंद नहीं करना, इनको सीधे गोली मारनी है आतंकवादियों। ये सरकार में कल हुए आतंकी हमले को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश व्यक्त है, वहीं फतेहपुर जनपद में नागरिकों में भी खासा आक्रोश है। हमले को लेकर विभिन्न संगठन के लोग पाकिस्तान के विरोध नारेबाजी करते हुए पुतला फूंकने का काम किया है। आज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में कार बहिष्कार करते हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर पाकिस्तान पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के पटेल नगर चौराहे में पुतला फूंक कर पाकिस्तान के विरोध नारेबाजी की और राष्ट्रपति से मांग की कि जल्द ही ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं विभिन्न संगठन के लोगों ने विभिन्न चौराहों में आतंकवाद के विरोध नारेबाजी की। इसके लिए मुस्लिम समाज के लोग भी पीछे नहीं रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमा की नमाज के बाद आतंकवाद के विरोध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद का पुतला फूंकने का काम किया जा रहा है। आज CIB इंडिया न्यूज प्रधानमंत्री से मांग करता है कि ऐसे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री सख्त कदम उठाए। देखिए, ऐसा है कि इस तरह के हमले कालांतर में पहले भी देश के साथ होते रहे हैं, जिससे सारा जनमानस पूर्ण रूप से द्रवित एवं प्रभावित होता रहा है। ये हमला जो हुआ है, ये काफी बड़ा हमला है और देश के हृदय को विदीर्ण करने वाला हमला है। और गौतम और गांधी के देश में ऐसे हमलों की कहीं पर भी कोई प्रासंगिकता नहीं है, ना उपयोगिता है, ना उनका स्थान है। किसी भी दशा में ऐसे हमलों को सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को निश्चित रूप से विलग करना चाहिए, निश्चित रूप से उसका डटकर सामना करना चाहिए। एक बार सामान्य जनमानस, जो 125 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको भी एक बार सड़क में आकर के ऐसी आंदोलन तैयार करना चाहिए जिससे सत्ता में बैठे लोगों को मजबूर होकर के कठोरतम कार्रवाई करने के लिए कदम उठाना पड़े। हमले का ये सबसे बड़ा देश का हमला है और इससे ये हौसले पस्त करना चाह रहे थे, लेकिन इनको शायद नहीं पता कि ये एक अब्दुल हमीद को दबाएंगे तो हर घर में वीर अब्दुल हमीद पैदा होंगे। ये हमला किस जो हुआ है, इसका बदला किस तरह ले सकता है? इसका बदला जो है, हमने ये नारे लगाए कि हमको एक भी आतंकी जिंदा नहीं चाहिए, हमको कोई निंदा नहीं चाहिए। हर बार ये चलता है कि कड़ी निंदा हो गई। हमें निंदा से कोई मतलब नहीं, हमें आतंकी जिंदा नहीं चाहिए। और अगर सरकार इसमें कम पड़ रही है तो हम अहले इस्लाम के बच्चे इस बात को ठानते हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सरहद पे जाने को तैयार हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। पुलवामा में जो कल हमला हुआ वो बड़ा निंदनीय रहा और बहुत ही घातक हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया, जिस पर भारत सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कहते थे कि 56 इंच का सीना है तो मैं देश में ये करूँगा, ये फर्जी जो वादे करके आए हैं। आज देश आक्रोश में है कि अब आपका समय आ चुका है 56 इंच का सीना दिखाने का। अगर आप वाकई देश के लाल हैं, राष्ट्र के पुत्र हैं, तो आप हमारा आक्रोश का बदला आक्रोश के द्वारा लिया जाए। और पुलवामा में जो घटना हुई है उसमें हमारे जितने सैनिक मारे गए, जिन माताओं के, बहनों के या पिताओं के सर से साया उठा है हमारे सैनिकों का, उन सैनिकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए व उनके घर के व्यक्ति को एक एक लोगों को नौकरी देने का काम करें, वह पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम कड़े से कड़े उठाए जा सकते हैं वो उठाने का पूरा प्रदर्शन करें। ये सबसे बड़ा आतंकवाद का और पाकिस्तान के समर्थन से जो हमला किया गया है, इस पर पूरा देश बहुत दुखी है और इस हमले का हमारे मोदी सरकार से पूरा अनुरोध है कि इसका मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जाए और 46 की जगह 460 लोगों के हमें जो है इसकी। जिस प्रकार से कल सायंकालीन 3:15 बजे CRPF के विशाल सैनिकों पर बेधर्मी शक्ति पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी संगठन के द्वारा हमला, विदाइन हमला किया गया है, ये भारत सरकार एवं संपूर्ण भारत के 125 करोड़ देशवासियों के लिए चुनौती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित समस्त राष्ट्रभक्त समाज भारत सरकार से मांग करता है कि ऐसे बेधर्मी, ऐसे मानव समाज के लिए कलंक के रूप में पाकिस्तान जैसे देश से संपूर्ण संबंध समाप्त करते हुए ये चुनौती हमारे सब के लिए एक युद्ध का बिगुल फूंका गया है और हम सबको
भारत सरकार सहित सबको स्वीकार करना चाहिए और इस पर हमला बोल करके 44 बलिदानी हमारे जो राष्ट्रभक्त भारत माता के सपूतों के बलिदानी आत्मा को पवित्र और उनको बदला लेने के लिए उनकी आत्मा को शांति तभी प्राप्त होगी जब ऐसे विधर्मी देश पर हमला बोल करके उनके 400 ऐसे आतंकी और सैनिकों को मार गिराना होगा। हाँ, 79 के बाद का अभी तक इस भारत देश में बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान द्वारा कायरतापूर्ण हमला जो किया गया है वो अत्यधिक निंदनीय है और इसमें हमारी भारत सरकार से मांग है कि कठोरतम कार्यवाही करके पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ सहित खत्म करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि पुनः इस तरीके की घटनाएं न घटित होने पावे और हमारे सेनानी जो हैं सुरक्षित रह सके। इस तरह का बदला दो तरह से लेने की मैं आवश्यकता महसूस करता हूं कि एक तो होता है कि वार्ता से कोई अगर रास्ता निकलता है तो उसको निकालने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि वार्ता से कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे हिंदुस्तान में हिंसा या खून खराबा को रोका जा सके। दूसरा रास्ता है कठोरतम कार्रवाई करके बदला लेने की स्थिति का, जिससे हो सकता है कि इस कार्रवाई को जो कठोरतम कार्रवाई हमारे देश के नौजवानों के साथ की है आतंकवादियों ने उसको रोका जा सके। क्या यही है कि 4.5 साल के आप अपने 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के समय जितने हमारे देश के सैनिक मारे गए हैं इतने सैनिक कभी भी शहीद नहीं हुए। कतई नाकाम साबित हो रही है, फिजूल फिजूल के इनके जो है वो आ रहे हैं, लेकिन हम जो भी सरकार कदम उठाएगी हम उसमें उसका सहयोग करेंगे क्योंकि ये हमारे देश हित का मामला है, देश सुरक्षा का मामला है और हम पूरा उसका सहयोग करेंगे। बदला लेने का तो ये है कि जैसा उन्होंने कार्यवाही की है उससे भी बड़ी कार्यवाही हमको करनी चाहिए जिससे आतंकवाद का देश अपने देश से सफाया हो सके। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी आतंकवाद को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी पीछे की घटनाओं को आप उठा करके देखिए तो बहुत से पत्थर बात थे उस समय, उनको भी उन्होंने खत्म किया है और बहुत से आतंकवादी इस देश से खत्म किए गए हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में इस दिशा में पीछे हैं, उनका प्रयास जारी है और पुनः वो इस पर बड़ी कार्यवाही करेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।